देखिए यूपीआई का इस्तेमाल अगर आप लोग करते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो ये खबर जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग ये चीज जानते हैं कि अमूमन तौर पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो कैश अपने पास नहीं रखते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी बीच अभी खबर ये सामने आ रही है कि जितने भी लोग HDFC के ग्राहक हैं उन लोगों के लिए बड़ा अपडेट है, और वो ये बड़ा अपडेट ये है कि आपका UPI ट्रांजैक्शन जो है वो 13 जुलाई को काम नहीं करेगा। यानी कि HDFC बैंक में आपका अकाउंट है और अगर आप लोग भी UPI का ट्रांजैक्शन करते हैं, UPI से लेन देन करते हैं पैसों का, तो 13 तारीख को आप पैसों का लेन देन जो है वो नहीं कर पाएंगे। दरअसल ये फिलहाल खबर निकल कर सामने आ रही है जहां पर ये बताया गया है कि HDFC बैंक की UPI ट्रांजेक्शन करने वाले लोग जो है वो 13 जुलाई को नहीं कर पाएंगे ट्रांजेक्शन, क्योंकि सर्विसेज जो है वो स्टॉप कर दी जाएंगी। अब दरअसल ये सर्विस क्यों स्टॉप की जाएंगी, इसके पीछे के क्या कारण है, ये भी मैं आपको बता दूं। फिलहाल बताया गया है कि सिस्टम अपग्रेड को लेकर ये फैसला लिया गया है। अगर आप भी जो है UPI ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो उस दिन आप लोग जो है वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए या तो आप लोग जो है वो अपने पास कैश रखें, कार्ड रखें, और बाय कैश और बाय कार्ड जो है वो ट्रांजेक्शन आप लोग करें, पैसों का लेन देन करें। क्योंकि आप लोग अगर ये सोचते हैं कि आप लोग कहीं घर से बाहर चले जाए, क्योंकि बैंक्स ने अपने तमाम कस्टमर्स को ये अपडेट पहले ही बता दिया है ताकि उनको इनकन्वीनियंस ना हो, वो बैंक चले जाएं, अगर वो कहीं पर भी चले जाएं, किसी मार्केट में, किसी शॉप पर चले जाएं, वहां से कुछ परचेज कर ले, और एट एंड द टाइम जब वो लोग ट्रांजेक्शन करें तो उनकी ट्रांजेक्शन ही सक्सेसफुल ना हो। क्योंकि इसीलिए HDFC बैंक ने पहले ही ये चीज बता दी है कि 13 जुलाई को उनकी UPI काम नहीं करने वाला है, यानी कि ऑनलाइन अगर आप लोग UPI ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। अब इसका मुख्य कारण ये बताया गया है बैंक ने कि ये लोग जो हैं वो अपने सर्वर को अपडेट कर रहे हैं और अपग्रेड करने को लेकर, सिस्टम अपग्रेड करने को लेकर ये बंद रहेगा। देखें समय भी बताया गया है कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये चीज बंद रहने वाली है, यानी कि आपके ट्रांजेक्शन UPI की बंद रहने वाली है। बैंक के अनुसार बताया गया है 13 जुलाई को सिस्टम अपग्रेड का जो समय है वो सुबह 3 बजे से लेकर जो है, यानी कि रात 12 बजे के बाद ही जो 3 बजेंगे, सुबह 3 बजे से लेकर उसी दिन शाम 4:30 बजे तक अपग्रेड हो जाएगा। और ऐसे ही आपको बता दें, ये भी बताया गया है, इस अवधि के दौरान ग्राहक कुछ सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे, UPI सर्विस भी जो है वो इस दौरान जो है वो बंद रहेंगी, इस चीज के बारे में बताया गया है। और फिर जानकारी के अनुसार 13 जुलाई को UPI सर्विस सुबह 3 बजे से लेकर लगभग 4:45 बजे तक और सुबह 9:30 से लेकर दोपहर के जो है 1:15 बजे तक काम नहीं करेंगी। वहीं पर अपग्रेड अवधि की बात की गई है कि इस दौरान नेटवर्क में जो मोबाइल बैंकिंग है सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी, जैसे कि IMPS, NEFT, RTGS समेत सभी फंड्स जो है वो ट्रांसफर मोड पे अपग्रेड अवधि के दौरान जो है उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो इस चीज की जानकारी आप लोगों को दी गई है। HDFC बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो 13 तारीख को आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ना करें, क्योंकि बैंक सिस्टम अपग्रेड के चलते सर्वर डाउन रहने वाले हैं, सर्विसेज जो है वो आप लोगों की नहीं चलेंगी, इसलिए कैश आप लोग अपने पास रखिए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी लोग HDFC बैंक में ग्राहक हैं और UPI का इस्तेमाल करते हैं उन तक ये खबर पहुंच जाए। तब तक के लिए मुझे कैमरा पर्सन अंकुश को दीजिए इजाजत। जय हिंद।